वहीं अब खबर श्री गंगानगर जिले से है, जहां की श्री कवर्णपुर विधानसभा में भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर होम वोटिंग शुरू हो गई है। और इसके तहत ही सहायक निर्वाचन अधिकारी शोराम ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री कवर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के वृद्ध 655 होम वोटर चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए घर से ही वोट डालने की सुविधा के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के पहले चरण में 6 से 9 अप्रैल तक अभी अभियान चलेगा। इसके बाद 15 और 16 अप्रैल को दूसरे चरण में बचे हुए होम वोटरों का मतदान करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ऑनरेबल कमीशन के निर्देशानुसार जो 85 प्लस लोग हैं और PWD हैं, उनका होम वोटिंग होना है। तो इसके क्रम में कर्णपुर विधानसभा में कुल 655 लोगों का होम वोटिंग होना है, जिनमें से 439 से 85 प्लस हैं और 216 लोग हैं वोटर्स हैं वो PWD हैं, दिव्यांग मतदाता था। तो इनका होम वोटिंग के लिए 6 से 9 अप्रैल तक का प्लानिंग किया हुआ है, 6 से 9 अप्रैल तक का कैलेंडर है। और आज 220 मतदाताओं का होम वोटिंग होना था, जिसमें से 204 मतदाताओं का होम वोटिंग करा लिया गया, 14 जो है एब्सेंट मिले हैं और 2 वोटर्स की इन दिनों में डेथ हो गई। और अभी जो बाकी बचे हैं एब्सेंट वाले, उनका 15 और 16 अप्रैल को दोबारा दूसरे चरण में होम वोटिंग द्वारा मतदान होगा।